वेलकम बैक फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से आ गई। आप सब कैसे हैं? आप सभी को मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं ना, तो प्लीज कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल ऑलिवन अनन्या पे पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और हाँ, इसको लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। हेलो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी देखकर आप ज़रूर चौंक जाएंगे। जानते हैं ये क्या है? ये है पीनट, यानी कि मूंगफली। आज हम इसी से एक शानदार रेसिपी बनाएंगे। पीनट का दूध, दही, पीनट की चाय, मक्खन, क्या आपने ये कभी सुना है? तो आज चलिए यही बनाते हैं। इसके लिए हमने एक कटोरी मूंगफली दाना लिया है, जिसे हमने रात भर 7 से 8 घंटे के लिए भिगोने रख दिया था। अब ये भीग चुका है और इसे पानी से अलग करके मिक्सर जार में पीसने के लिए डाल देंगे। जितना हमने मूंगफली दाना लिया था, उतना ही हम उसमें पानी भी डाल देंगे और इसे बिल्कुल अच्छे से मिक्सी में पीस लेंगे। जब ये पिस जाए, तब कपड़े की सहायता से इसे छान लीजिए। छानने के लिए आप इस पेस्ट को कपड़े पर थोड़ा थोड़ा डालें। उसके बाद कपड़े को इकट्ठा करते हुए पोटली सी बना लें। उसके बाद आप इस पोटली को अपने हाथों से हल्का हल्का दबाते जाएं, जिससे कि इसमें से सारा दूध अलग हो जाएगा। इसमें से जितना अधिक दबाव डाल करके आप दूध निकाल सकते हैं, उतना निकाल लीजिए। दूध निकल जाने के बाद पोटली में पीनट का बुरादा बचा रह जाएगा। इसे हम आगे इस्तेमाल करेंगे, इसके लिए आप इसे कहीं रखते जाएं। इसी प्रकार से आप जार का सारा पेस्ट अच्छे से छान लें और उसमें से दूध और बुरादा अलग कर लें। अगर आपको दही बनाने के लिए दूध चाहिए तो आप इस दूध को अलग कर लीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि और अगर आपको लगता है कि इस बुरादे में से थोड़ा और दूध निकल सकता है, तो आप आधी कटोरी पानी डालकर इसे पीस लीजिए और इसे कपड़े की सहायता से ही पहले की तरह फिर से छान लीजिए। और कपड़े की पोटली बना करके उस पोटली को अपने हथेली में दबा करके सारा मिल्क उसमें से अलग कर लीजिए। अगर आप चाय के लिए दूध बना रहे हैं तो आप पानी थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अगर आप दही बनाने के लिए दूध निकाल रहे हैं तो अगर एक कटोरी पीनट है तो एक कटोरी पानी रखिए। देखिए, अब हमने पीनट का बुरादा अलग कर लिया है, इसे हम साइड में रख देते हैं, जिसका इस्तेमाल हम आगे करेंगे। अब हमारे पास देखिए कितना गाढ़ा गाढ़ा स्वादिष्ट दूध तैयार है। अब हम इसे उसी प्रकार से गर्म करेंगे जिस प्रकार से आप नॉर्मल दूध को गर्म करते हैं। इसके लिए हम इसे एक बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे और सिम गैस पर भगोनी को रख देंगे। थोड़ी देर सिम गैस पर चलाते हुए गर्म करेंगे ताकि ये नीचे लगे ना, नहीं तो दूध में स्मेल आ जाएगी और स्वाद ख़राब हो जाएगा। आप चाहें तो इसमें अच्छी खुशबू के लिए इलायची पाउडर मिक्स कर सकते हैं। अब दूध में उबाल आ गया है, इस स्टेज पर हम इसे नॉर्मल दूध की तरह तेज़ गैस पर उबाल सकते हैं। दूध में उफान आने के बाद अब हम गैस बंद कर देंगे। अब ये हमारा पीनट मिल्क, दूध, दही, चाय, कोई भी रेसिपी बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। हम इससे दही बनाने वाले हैं, इसलिए हल्का गुनगुना होने पर ही भी
इसमें हरी मिर्च के डंठल तुरंत टूटे हुए जिस कटोरे में आपको दही जमाना है उसमें डाल दीजिए। 8 से 10 मिर्च के डंठल इसके लिए काफ़ी होंगे। आप नॉर्मल दही से भी पीनट दही जमा सकते हैं। जब पीनट मिल्क गुनगुना हो तब मिर्च वाले बाउल में आप इसे डाल दीजिए। ऊपर से कुछ मिर्च के डंठल और डाल दीजिए। ध्यान रखें कि मिर्च के डंठल पहले से तोड़े हुए ना रखे हों। तुरंत के तुरंत तोड़ते जाएं और डालते जाएं। अब इसे किसी गर्म जगह पर ढक कर रख दीजिए। उसी प्रकार जिस तरह से आप नॉर्मल दही जमाते हैं, 7 से 8 घंटे बाद हमारा पीनट दही बन करके बिल्कुल तैयार है। इसमें से मिर्च के डंठल अलग कर दीजिए। अब पीनट दही बन करके बिल्कुल तैयार है। ये बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक होता है। एक बार बना करके ट्राई ज़रूर कीजिए। अब आप इस स्वादिष्ट दही का मज़ा लीजिए। पीनट के बुरादे के बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। देखिएगा ज़रूर।